एक्सप्रेस ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ किया गया। ऐसे इस अवसर पर प्रयागराज की धरती पर इस मंच पर उपस्थित फूलपुर के लोकप्रिय सांसद सम्मानित माननीय प्रवीण पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित हम सबके बड़े भाई और पूर्व मेयर, उच्च सदन के सदस्य माननीय के पी श्रीवास्तव जी, बड़े भाई माननीय विधायक बारा श्री वाचस्पति जी, माननीय विधायक थापामो श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी, प्रयागराज के लोकप्रिय महापौर श्री गणेश किशरवानी जी, बाबूलाल तिवारी एमएनसी के प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, टीआरएम प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे श्री हिमांशु जी, एडीआरएम उत्तर मध्य रेलवे संजय कुमार उत्तमी जी, मुख्य क्रू नियंत्रक समन्वय प्रयागराज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री वासुदेव पांडे जी, डायरेक्टर प्रयागराज जनसंघ श्री बी के द्विवेदी जी, इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर श्री उपेन्द्र सिंह जी, अनिल केसरवानी झल्लर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, स्वाति गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुक्तिगंज, राघवेंद्र मिश्र जी भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरगंज, दिलीप केसरवानी जी भाजपा मंडल अध्यक्ष नैनी, रौनक गुप्ता जी सलाहकार सदस्य उत्तर मध्य रेलवे, सुरेंद्र कुमार केसरवानी हमारा भाई पुली बिल्ला नंबर 176, रतन अग्रवाल जी, मनु मित्तल जी, विजय श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष सिविल लाइन, और बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्या तिवारी जी, विनय साहू जी, राजेश जी, मनोज जी, विक्रम भदौरिया जी और सभी साथियों का यहाँ पर हमारे पार्षदगण उपस्थित हैं। सभी पार्षदगण का, पार्टी पदाधिकारियों का, वरिष्ठ अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। पप्पू उत्सव, पप्पू दूत, विजय बहादुर, राजेश, सुरेश जी, मनोज भैया और मधु वाचस्पति के तमाम हमारे बच्चे जो यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। ये दो हमारे भाई जो देशभक्ति पर हम सबको यहाँ पर ऑटोमेटिक उनका हाथ पैर सभी लोगों का थिरक रहा है। ऐसे देशभक्ति के जोशीले गीत गा रहे हैं उनका, जिन बेटियों ने यहाँ गणेश वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और रेल परिवार से दो बच्चियों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उन सभी बच्चों का, और मैं जिनका नाम अजय भाई, अजय शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन नाम लेने में ही बहुत सारा समय चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित आप में से एक एक का, आप में से प्रत्येक का जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिंदुस्तान की पहली 20 कोच की ट्रेन निश्चित रूप से सारी सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन प्रयागराज वासियों को, और कल 5 और आज 6 कुल 11 ट्रेन देश को समर्पित की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के कमलों द्वारा। इस ट्रेन के शुभारंभ के साथ उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में कुल 13 वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। इसके लिए मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार ताली बजाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करिए। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जिस दिन से देश की बागडोर उन्होंने संभाली, इस देश में किस तरह से तरक्की की है, किस तरह से प्रगति की है, पूरी दुनिया आज देश की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। जहां 13 वंदे भारत ट्रेन का संचालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, 22 एयरपोर्ट का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में हो गया है। जो हम सरकार में आए थे 2017 में केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ है। वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे शुरू हो गया, जो प्रयागराज तक बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद। अभी 7 और एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक कुंभ का स्नान करने के लिए, कुंभ मेले में दर्शन के लिए जो लोग आएंगे मेरठ से सीधा प्रयागराज तक आएंगे, वो भी दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और 2025 में कुंभ में लोग उसका अनुभव ले पाएंगे। 4 लाख किलोमीटर का हमारा सड़क का नेटवर्क,